अभी अभी हमने प्रधानमंत्री जी को लाइव सुना और प्रधानमंत्री जी देश के हर स्टेट में जो टीम बैठी हुई है उनका परिचय भी कराया, वो स्वच्छता अभियान के लिए क्या कर रहे हैं ये भी हम लोगों को बताया और कई जगह लोग बैठे हैं उसका दृश्य हमको नहीं दिखा। जैसे हम आप यहां बैठे हैं यहां का दृश्य दिखा, यहां का नहीं दिखा। ऐसी ऐसी जैसे आज हम यहां बैठे हैं और स्क्रीन लगा हुआ है, ऐसा आज देश में 3 लाख स्क्रीन लगा है। कितना लगा? 3 लाख। मतलब नरेंद्र मोदी जी को हम सबसे पहले धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने डिजिटल इंडिया का इतना अच्छा प्रयोग करना शुरू किया। वो एक कहावत है ना कि जंगल में मोर नाचा किसने देखा, तो भैया मोर तो नाच रहा है लेकिन पहली बार एक ऐसे प्रधानमंत्री हमारे देश के यशस्वी नरेंद्र मोदी जी जो डिजिटल व्यवस्था का, अब पहले हम लोग सुनते थे कि जब भगवान राम का राजगद्दी हुआ तो दुनिया भर से लोग देखने के लिए आए, तो जो जहां था वही राम जी से मिल रहा था। आज हम लोग कहते हैं अरे ऐसा कैसे हो सकता था कि राम जी एक और सबको दिख रहे हो। आज हम बोल सकते हैं वो बात सही थी क्योंकि नरेंद्र मोदी एक है लेकिन देश के 3 लाख जगहों पर दिख रहे हैं, सुनाई दे रहे हैं और सबको स्वच्छता के लिए प्रेरित कर रहे हैं। ये विज्ञान का युग है लेकिन ये विज्ञान का युग हमारे लिए नया नहीं है। ये तो हमारे भगवान राम जी जब एक राजा के रूप में काम करते थे तब भी ये व्यवस्था थी। आज वापस हम लोग इस व्यवस्था को कर रहे हैं क्योंकि हमको फिर से भारत को विश्व गुरु बनाना है और विश्व गुरु बिना स्वच्छता के हम नहीं बन सकते हैं। इसलिए मैं आप सभी का धन्यवाद करता हूं, आप लोग यहां आए। मीडिया का धन्यवाद करता हूं, मीडिया के लोग भी आए। अपने प्रदेश के कई पदाधिकारी हमारे गजेंद्र जी, गजेंद्र यादव वो जिले के प्रभारी हैं, हमारे प्रदेश के उपाध्यक्ष मोहन सिंह बिष्ट जी हैं और प्रदेश पदाधिकारी कोई नहीं हुआ, और हमारे स्थानीय विधायक मेरे भाई जगदीश प्रधान जी जो कल 12 करोड़ की लागत से एक सड़क का उद्घाटन करने वाले हैं, हम भी आएंगे उसमें उसका उद्घाटन कर शिलान्यास करने के लिए, और बहुत जल्दी यहाँ भी आएंगे। ये जो सड़क है इसको भी 6,300 करोड़ रुपया नितिन गडकरी जी ने दे दिया है सर, इस सड़क को भी हम बहुत बड़ी सड़क बना करके इस ट्रैफिक व्यवस्था को दुरुस्त करेंगे। हम सभी धन्यवाद करते हैं हर उस नागरिक का, माता का, बहन का जो आज यहाँ आए हैं, युवाओं का। हाँ धन्यवाद के बाद अभी स्वच्छता अभियान है तो उसके बाद तो चले जाएंगे ना। एक एक व्यक्ति का मैं धन्यवाद करता हूं जिन हमारे एमसीडी के जिन कर्मचारियों का यहाँ पे स्वागत हुआ उनका भी धन्यवाद करता हूँ, और जो लोग हमारे भाई लोग वहाँ पे काले झंडे लेकर के हमारे सफाई कर्मचारी खड़े हैं मैं उनका भी धन्यवाद करता हूँ। लेकिन हम सिर्फ एक बात उनको बताना चाहते हैं, अगर भारतीय जनता पार्टी दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष से आपको कुछ बात कहनी है तो पहले एक बार बता तो दो, हमको तो आपने बताया ही नहीं, हमसे आप मिले ही नहीं, हमको कुछ जानकारी आपकी समस्या की है नहीं। अगर आप हमारे लिए काला झंडा लेके आए हो
तो पहले हमको जानकारी दे देना चाहिए, और अगर ये झंडा अरविंद केजरीवाल के लिए है तो फिर आपका डबल स्वागत है, क्योंकि मैंने दो दिन पहले देखा दिल्ली के मुख्यमंत्री के सामने हमारे दिल्ली के सफाई कर्मचारी बड़ी संख्या में बैठे थे, और ये भी उन्हीं के एक लोग हैं, ये तकलीफ में हैं। मैं इनको मिलना चाहता हूं, इसलिए कोई जाए और जाके उनको बताए कि आप बैठो अपनी समस्या बताओ। तो अब इनकी समस्या में सर एक धन्यवाद देते हुए, आप लोगों को जानकारी है अभी मुख्यमंत्री ने एक पोस्टर लगाया कि मैंने इनका वेतन बढ़ा दिया और बीजेपी ने वेतन घटा दिया। अब आप बताइए, बीजेपी का अध्यक्ष मैं, बीजेपी के उपाध्यक्ष मोहन सिंह बिश, हमारे यहाँ के मेयर, हमारे जोन चेयरमैन प्रमोद, हमारे स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन सतपाल, सतपाल जी ये जो झूठ का प्रचार हो रहा है इसको प्रमोद जी आप लोग तोड़ दो। अगले 5 दिन के अंदर इनके जो भी मांग है उनको स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन के रूप में आप इसको पास करो, क्योंकि इनकी कुछ समस्याएं हमको पता है जिनको हम लोगों को पास करना, हम इनका समर्थन करते। और इनको बताइए अब ये क्या है, ये लोग बिना जाने अगर काला झंडा दिखाएंगे तो हम तो मान लो उदार है, हम तो इसको कोई बुरा नहीं मानेंगे, लेकिन अगर यही कोई गंदे सोच का नेता होगा तो आपके काले झंडे से नाराज हो जाएगा, फिर आपका काम बनने की जगह बिगड़ जाएगा। लेकिन हम भाजपा के लोग हैं, हमारे भाजपा के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री श्री रामलाल जी, जिन्होंने अपना पूरा जीवन भारतीय जनता पार्टी और एक प्रचारक के रूप में खपाया है, आज हम लोगों के बीच में ये तो पूरे देश के प्रमुख हैं। अगर ये चाहते तो देश के किसी कोने में आज रह सकते थे, लेकिन इनका प्यार है हम यमुना पार वालों के लिए, इन्होंने पूरे देश में यमुना पार को चुना है, इसलिए हम लोग आदरणीय श्री रामलाल जी का धन्यवाद करते हैं। और हम धन्यवाद करते हैं उस इंजीनियर का भी धन्यवाद करते हैं जो लगातार स्क्रीन को ठीक करने में लगा था, बाद में थोड़ी सफलता मिल गई, इसको डैमेज कंट्रोल कहते हैं। उन्होंने विपरीत परिस्थिति में सब कुछ किया, और मैं एमसीडी के सभी सफाई कर्मचारियों को एक बात कहना चाहता हूं, एमसीडी के सफाई कर्मचारियों के जो अस्थाई सफाई कर्मचारी हैं उनको क्या बोलते हैं, डेली वेजेज, उनकी एक मांग है कि डेली वेजेज को हम लोग परमानेंट करें। जिस दिन अरविंद केजरीवाल ने एमसीडी का फंड देना शुरू कर दिया, मैंने जीवन में, मैं तो सर के सामने है इनके सामने नहीं बोलना चाहता ऐसी बातें, लेकिन हमने दुनिया में इतना निगेटिव व्यक्ति अपने जीवन में कभी नहीं देखा जो सिर्फ और सिर्फ ओछी राजनीति कर रहा है। सर जब इनका केस था तो इन्होंने अपने केस के लिए राम जेठमलानी को लगाया, 2 करोड़ रुपया उनको फीस दिया, जब इनको अपने ऊपर केस आया थप्पड़ मारने वाला तो ये देश के सबसे बड़े वकील को करते हैं, और जब हम लोगों ने कहा सफाई कर्मचारियों का पैसा बढ़ाओ, वो जब इनका इन्होंने भेजा सुप्रीम कोर्ट में,
तो वहां एक ऐसा वकील लगाया कि वो वकील पहले ही दिन केस हार के आ गया। सुप्रीम कोर्ट में जब सफाई कर्मचारियों का वेतन बढ़ाने के लिए वकील लगाना था सर, जिसको भारतीय जनता पार्टी सपोर्ट कर रही है, सतपाल जी मैं सर के सामने आपको बीजेपी के तरफ से ये छूट देता हूं कि आप उनकी मांगों को, उनकी चार पांच मांगे जो हमने नॉर्थ एमसीडी के लोगों की मांगी है, उसको यहां पे पिछली मांग को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने जो और एमसीडी में मांगी है सर, उसको यहां पे एक हफ्ते के अंदर अपने स्टैंडिंग कमेटी से पास करेंगे। उसकी फंड की जो समस्या आगे होगी उनको बिठाइए, उनको समझाइए, क्योंकि स्वच्छता का ये अभियान बिना इनके पूरा नहीं हो सकता।